उसने पूछा कहाँ जा रहे हो आप। मैंने कहा सर मैं कोलंबो जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हो? मैं कहा घूमने जा रहा हूँ। कह रहा है तो फिर आप वहां से कोलंबो से कनाडा चला जाओगे? मैंने बोला कि सर सारे सरदार कनाडा नहीं जाते हैं, कुछ लोग ट्रैवल करने के लिए भी ट्रैवल जाते करने के हैं, लिए भी जाते हैं, ये बात आपने सही बोली जो यार। हमें फ्लाइट में मिलता है एक हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म भी होता है श्रीलंका का। वो आपको ऑनलाइन भी भरना है और आप उसको ऑन अराइवल भी। ऑन मैं कोरोना अराइवल के टाइम पे भाई वहां पे सारे फॉरनर्स थे, मतलब सब फॉरनर्स थे। हेलो अंग्रेज आए फ्रेंड्स, थे वेलकम सारे। बैक टू द चैनल। मैं रुबिन दीवान आपका स्वागत करता हूँ। तो भाई काफी सारे बंदे रिक्वेस्ट करते रहते हैं अलग अलग कंट्रीज की, तो श्रीलंका की रिक्वेस्ट भी मेरे पास आई थी। तो फाइनली श्रीलंका के बारे में हम डिस्कस करेंगे सारी चीजें। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, इमिग्रेशन प्रोसेस क्या है, कितनी कॉस्ट आती है जाने में, इंडिया से अभी ओपन है कि नहीं है, क्वारंटाइन है कि नहीं है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, ताकि कहीं और जाके आपको गूगल सर्च ना करना पड़े। ओके, तो मेरे हिसाब से मोस्टली जो ट्रैवलर्स होते हैं इस चैनल पे आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो 99% आपके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। और इस तरीके की वीडियोस मेरी आती रहती है भाई, आप चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि, और वीडियो को शेयर किया करो ताकि और भी ट्रैवलर्स की हेल्प हो। और भाई मेरा इंस्टा आ रहा नीचे, आप फॉलो कर लेना, आपको अगर कोई भी डाउट है इसके अलावा तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो रणजोत सर है मेरे साथ, इन्होंने ट्रैवल किया है दिल्ली से श्रीलंका बाय हाय सर, इंडिगो, और रिसेंटली ये पहुंचे हैं श्रीलंका। सर वेलकम फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच रविन भाई। कैसा लगा सबसे पहले ये बताइए पहुंच के वहां पे? भाई बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी कंट्री है, सुंदर है, घूमने लायक है। मुझे यहाँ पे 2 दिन हो चुके हैं। ओके 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 ओके। तो सर सबसे पहले बताइए कि वीडियोस कब से फॉलो कर रहे हो आप? वीडियोस मैं सच्ची बोलूंगा कि मैं आपको करीबन लास्ट 6 महीने से फॉलो कर रहा हूँ, ओके ओके, तकरीबन छह और जहां महीने से पे मुझे लगता है कि मुझे देखनी चाहिए जिस कंट्री की, मैं उस कंट्री की आपकी वीडियो निकाल के स्पेशली देखता हूँ, बाकी भी ओके देखता हूँ बट उसको बार बार देखता हूँ, कहने का ओके मतलब ओके ये है। ओके ओके। तो सर आपकी भी काफी हेल्प हुई है, मतलब इस तरीके की वीडियो से काफी हेल्प हो रही है ट्रैवलर्स की। बिल्कुल 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 ओके, तो सर चलिए, आपने भी रिसेंटली ट्रैवल किया है श्रीलंका, तो काफी सारे डाउट्स हैं लोगों के मन में, आप वो डेफिनेटली डाउट क्लियर करोगे। तो सर बिल्कुल, सबसे पहले जितने डॉक्यूमेंट्स। आप हाँ जी हाँ जी, बताइए बताइए। डॉक्यूमेंट्स जितने मुझे मालूम है, जो चीज मेरे साथ हुई है वो मैं आपके साथ बिल्कुल क्लियर करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो सर डॉक्यूमेंट्स बताइए सबसे पहले क्या क्या रिक्वायर्ड थे। देखिए, लेके हम सब कुछ चले थे, रिक्वायर्ड कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं हम था लोगों ने फ्लाइट टिकट ली, फॉर्मेलिटी के लिए जो होते हम हैं। लोगों ने मैं आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स बता हाँ देता जी हूँ। पूरे बताओ पूरे देखिए वहां पे बताओ कुछ भी रिक्वायर नहीं पूरे था। बताओ सर। मेरा जब मेरा चेन्नई में इमिग्रेशन हुआ, इंडियन इमिग्रेशन, हाँ उसके जी हाँ अंदर जी उन्होंने मुझसे एक सिर्फ एक ही चीज मांगी, कोविड टेस्ट ओके, और वीजा। कोविड और वीजा, दैट्स इट। वो भी ओके, मांगा नहीं, सिर्फ देखा उन्होंने, हाँ तो है सर जो अपना ईटीए पासपोर्ट। मिलता है श्रीलंका के लिए, राइट, ईटीए हाँ जी, ईटीए लेना पड़ता है, तो उसमें जब आपने अप्लाई किया कितनी देर में आपको रिप्लाई आ गया, मतलब कितनी देर में आपके मेल पे आ गया वीजा? दो दो मिनट में उसके लिए, अगर आप कहो तो मेरी उस पर वीडियो है, ओके ओके, हाँ तो सिर्फ जी 2 मिनट के अंदर मेरे को मैंने बिल्कुल। तो वो यहाँ से भाई पेमेंट उस वीडियो की। का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जाके देख लेना अगर किसी को लेना है तो। तो सर 2 मिनट के अंदर कितनी मैंने यहाँ से कॉस्ट थी क्लिक उसकी, किया और मुझे मैसेज आ गया कितनी कॉस्ट ईटीए उसकी, का। कितनी कॉस्ट थी? अकॉर्डिंग टू डॉलर पे पड़ती है, मुझे 1558 रुपए का पड़ा था उस टाइम पे। ओके ओके ओके, तो चलो ये बीस हो डॉलर गया। का मल्टीपल वीजा होता है 30 दिनों के लिए, और जो आपको 5 महीने तक वैलिड होता है, जो मुझे वैलिड है, मेरा वीजा वो मई 2020 तक वैलिड है। ओके नवंबर में मैंने अप्लाई किया था, ओके ओके ओके, तो 1500 समथिंग है उसकी उसकी फी। दिसंबर में आ गया। हाँ 1500 समथिंग है डॉलर के अकॉर्डिंग, आप 1500 से 1600 के बीच में लगा लीजिए। ओके, तो चलिए रिटर्न टिकट हो गई, होटल होटल बुकिंग वगैरह, ट्रैवल इंश्योरेंस वगैरह, और आपका वीजा, ये सारी चीजें आपके पास थी, राइट? मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स, मैं उसको प्रिपेयर करके गया था। मेरी जो इन जहाँ पे मैंने बोर्डिंग तो किया सर एक मिनट, T2 से। हाँ जी सर, जैसे आरटीपीसीआर रिक्वायर्ड है राइट, वो ऑब्वियसली हर जगह रिक्वायर्ड है आरटीपीसीआर, राइट? तो आरटीपीसीआर आपने कहाँ से करवाया, जैसे बोर्डिंग आपने दिल्ली से करी है? आरटीपीसीआर आपने कहाँ से हेलो करवाया? भाई,
हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलो सर, बोलो। आरटीपीसीआर मैंने दिल्ली से करवाया था, एक ओके हमारे घर के पास ही लैब है, हमारे घर के पास लैब है, वहां से कराया था बारकोड का, और मुझे आरटीपीसीआर 300 रुपये का पड़ा था। ओके। और सर उसके, चलो आपने एयरपोर्ट से नहीं कराया, आपने बाहर से ही कराया। और जो श्रीलंका के लिए जो रूल है वो हाँ जी, वो सेवेंटी भी टू चलता आवर्स है, का, राइट? मतलब 3 दिन का। 72 आवर्स का है। मैंने इसलिए बताया कि आप अगर बारकोड वाला अपने घर के पास से भी करा लेते हो तो वो भी वैलिड है। हाँ भाई, मैं बताता भी हूँ वीडियो में भाई कि अगर आपको जो रिपोर्ट है, आप आईसीएमआर अप्रूव्ड लैब होनी चाहिए, आपकी सिटी में भी मिल जाती है, कोई बड़ी नहीं है कि भाई दिल्ली मुंबई में ही मिलेगी, आपकी लोकल सिटी में भी मिल जाती है आईसीएमआर अप्रूव्ड लैब, और उसके ऊपर बारकोड होना चाहिए, दैट्स इट, वो वैलिड है। बिल्कुल भाई, ओके, तो बिल्कुल। सर दिल्ली एयरपोर्ट पे जब आप गए तो बोर्डिंग पास लेते टाइम कुछ बोले या एकदम मजे से दे दिया? बस दिल्ली एयरपोर्ट पे ही बोला, क्योंकि बाकी सर किसी नहीं बोला मोस्टली था। मोस्टली जो इश्यूज होते हैं अपने इंडियन को खुद को, वो वो दिल्ली, आप बोर्डिंग पास पे ही वो होते हैं। बोर्डिंग पास पे ही होते हैं। तो बोर्डिंग पास पे आपका कैसा एक्सपीरियंस था? इश्यू इश्यू तो कोई नहीं हुआ, बट उन्होंने हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, पासपोर्ट, रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग, इंश्योरेंस, कोविड टेस्ट, ये सर सारी चीजें उन्होंने जो दी। रिटर्न टिकट थी वो ओरिजिनल थी कि नहीं, डमी थी? मैंने ओरिजिनल कराई थी क्योंकि मैंने वापस आना ही था। आना ही था तो ओरिजिनल थी। ओके, तो सर और किसी को आप देखो, किसी ने को पैसेंजर वगैरह किसी को इशू फेस किया हो किसी ने? इमिग्रेशन पे उन्होंने मुझसे मेरा पासपोर्ट लिया ओके। और मुझसे पूछा कहाँ जा रहे हो आप। मैंने कहा सर मैं कोलंबो जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हो? मैंने कहा घूमने जा रहा हूँ। कह रहा है तो फिर आप वहां से कोलंबो से कनाडा चले जाओगे? यार ये तो कॉमेडी होगी तो वहां पे। सेम मुझे भी वहां हंसी आई उसके सामने, अच्छा। और मैंने उसको ये बोला कि सर सारे सरदार कनाडा नहीं जाते हैं, कुछ लोग ट्रैवल करने के लिए भी ट्रैवल जाते करने के हैं। लिए भी जाते हैं, ये बात आपने सही बोली यार एकदम। तो मैंने देखो उन्हें ये ये मैं बताया चीज मैं और यही तो उन्होंने बोल रहा हूं कि मतलब हर एक को सेम तराजू में नहीं तोलना चाहिए जो कि वो करते हैं। एक्चुअली एक चीज मैं आपको क्लियर करता हूँ भाई, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि किसी उस पे जा रहा हूं, बट कई लोगों ने इस चीज को खराब कर दिया है। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर पानी के अंदर वो मछली होती है तो वो तालाब गंदा हो जाता है ना, लाइक दैट। हाँ जी, हाँ जी, नहीं सही बोल, सही कह रहे हो आप, एकदम सही बोल रहे हो। तो भाई देखो मैंने भी कही कि यार मतलब सबको एक तराजू में नहीं तोलना चाहिए। देखो जेन्युइन ट्रैवलर भी होते हैं, ऐसा नहीं कि यार सब सारे कनाडा जाते हैं, सारे कहीं यूरोप में जाते हैं, ऐसा नहीं है भाई, जेन्युइन ट्रैवलर भी होते हैं। बिल्कुल, तो मैं जो इंडिगो का आपका लेओवर था इधर चेन्नई में, राइट? चेन्नई में लेवर था मेरा 3.5 घंटे का भाई। ओके, तो फिर 3.5 घंटे तक करके पता भी नहीं चलता, कोई ज़्यादा इशू नहीं आया, ट्रांजिट में तो नहीं कोई इशू खैर, नहीं है। हाँ नहीं, कोई इश्यू नहीं आया। ओके, तो जब फाइनली सर आप पहुंच जाते हो श्रीलंका कोलंबो, राइट? राइट तो भाई, कोलंबो राइट में भाई। कैसा इमिग्रेशन था? इंडिया से भी स्मूथ था, अच्छा, इंडिया से भी स्मूथ था। ओके। मेरा पासपोर्ट लिया, और ऑन अराइवल एक फॉर्म आता है जो हमें फ्लाइट में मिलता है, एक हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म भी होता है श्रीलंका का। वो आपको ऑनलाइन भी भरना है और आप उसको ऑन अराइवल भी भर सकते हो। बट तो आपने आपने ऑनलाइन भरा था या फिर आपने वो फ्लाइट में ही भरा था? दोनों, मैंने जो ऑन अराइवल एक फॉर्म आता है वो अलग था, जो डिक्लेरेशन है, हेल्थ डिक्लेरेशन है, वो मैंने वहां जाके भरा था। अच्छा, वहां जाके भरा था, लेकिन आप जाने से पहले भी उसको भर सकते आप हो। दो जाने से पहले ऑनलाइन भी आप भर सकते हो और वहां जाके भी भर सकते हो, ओके कोई इशू ओके, नहीं है। कोई इशू नहीं है। पहले ओके आपका पहला आपका इमिग्रेशन होगा, उन्होंने मेरे से पासपोर्ट लिया, ऑन अराइवल फॉर्म लिया, स्टैंप मारी, से दे सेड वेलकम। तो ऑन अराइवल फॉर्म लेके वो उसमें मतलब वो फ्लाइट में ही फिल कर दिया आपने बस? हाँ जी, हाँ जी, वो मैंने फ्लाइट में फिल कर दिया था। उसके ओके। बाद जैसे ही मैं आगे आया, वहां कुछ पुलिस वाले खड़े हुए थे और उन्होंने कहा आप सेल्फ डिक्लेरेशन है आपके पास? मैंने कहा नहीं भरी, मैंने ऑनलाइन नहीं भरी। तो उन्होंने मुझसे एक उस पे फॉर्म फिल करवाया, एक फाड़ा और एक उन्होंने खुद रख हाँ, लिया। एक दो बंदे मुझे पूछ भी रहे थे, तो कोई बड़ा इशू नहीं है इस चीज का, मतलब वहां पे जाके भी आप कर सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है, राइट? कोई बड़ा इशू नहीं है इस चीज का, वहां जाके आप आराम से कर सकते हो। कोई बड़ा इश्यू नहीं है, बट आपके पास आपका ईटीए और आपका कोविड टेस्ट
बिल्कुल भाई, आपके पास एक आपका फुल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और हाँ जी आपका कोविड टेस्ट होना चाहिए भाई, सेल्फ ओके। तो फुली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जरूरी है कि नहीं? डिक्लेरेशन के लिए फुली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जरूरी है कि बिल्कुल नहीं? जरूरी है भाई, अच्छा वो जरूरी है। अगर अगर किसी के बिल्कुल ना जरूरी है किसी के भाई पास नहीं है तो वो ट्रैवल नहीं जी कर भाई। सकता, राइट? नहीं तो उसको क्वारंटाइन है सर, अच्छा उसको क्वारंटाइन है। ओके तो चलिए फाइनली उसको आप वहां क्वारंटाइन है। पे पहुंच गए। अच्छा एयरपोर्ट पे क्राउड कैसा था अभी के टाइम में, ओमिक्रॉन के टाइम में? ओमिक्रॉन के टाइम पे भाई वहां पे सारे फॉरनर्स थे, उसको यूज करके भी जा सकते हो आप, लेकिन हम लोग 4 जने थे, तो हम लोग पहले कोलंबो जाने के बजाय निगम्बो गए थे, वो नियर पड़ता है, हमारे को बड़ी मुश्किल से 20 से 25 मिनट लगे थे, और हमने बाय टैक्सी साथ उबर से की थी। उबर और पिकनी दोनों चलते हैं, दोनों को आप कंपेयर कर लीजिए जब भी आप बुकिंग करते हो। तो ओके हमारे 750 रुपये लगे थे और उसने हमें बिल्कुल हमारे होटल के सामने उतार दिया था। ओके। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस वगैरह भी जाती हैं एयरपोर्ट्स के बाहर से? बसेस वगैरह भी जाती हैं भाई। ओके ओके ओके। तो अगर कोई सस्ते में जाना चाहे तो उससे भी जा सकता है। तो ओवरऑल देखे तो श्रीलंका बजट के हिसाब से कैसी कंट्री है या सेम इंडिया जैसी है बजट के हिसाब से बहुत जी भाई, या इंडिया जैसी है सेम बजट के हिसाब से? इंडिया जैसी है। मैंने जो मेरा बजट है अभी वो 25 के आसपास है, 25 से 30 का, फॉर टेन डेज ओके फॉर ओके टेन ओके डेज ओके 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 लेकिन ठीक। मैंने कुछ डेस्टिनेशन ज्यादा इसके अंदर कर दिए थे, तो मुझे ट्रैवल में ज्यादा टाइम तो लग सर गया, और अगर मुझे वहां पे अगर सिम कार्ड वगैरह लेना है आपने लिया अभी तक? एयरटेल लिया है भाई। आप जैसे ही सेल्फ डिक्लेरेशन भरोगे उसके सामने ही काउंटर है, 3 4 जन कंपनीज हैं, बट एयरटेल इज बेस्ट। एयरटेल चलता है वहां पे? बिल्कुल भाई, बहुत अच्छा है नेटवर्क है। अच्छा एयरटेल ही चलता है वहां पे। और जो अपने वाला लेके जाए तो? और फिर उसको वो नहीं, फिर आपको उसको रिचार्ज करवाना पड़ेगा ना वो आईएसडी नेटवर्क। आईएसडी चाहिए ना उसके लिए? जी, हाँ लेकिन लेकिन वहां से चल हमने लेकिन नया चल सिम जाता लिया है, है। कहने का मतलब चल जाता है राइट? हाँ बिल्कुल चल जाता है, वो ISD लेनी पड़ेगी, अदरवाइज आप वहां से दूसरा सिम ले सकते हो एयरपोर्ट से। ओके 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 ओके। तो आपने कौन सा चलाया? वही चलाया, एयरटेल ही चलाया? मैं हाँ, हमने एयरटेल लिया, हम लोगों ने एक लिया 1000 श्रीलंकन रुपीज का, जो पर डे आपको 1 GB डाटा देगा, ओके 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 ऑल और राइट। एक हमने लिया 1600 रुपये का, वो आपको 26 GB डाटा देगा, ओके 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 ऑल राइट। अनलिमिटेड है, चाहे उससे आप 1 दिन में खत्म कर दो चाहे उसे 10 दिन चलाओ। और इसके अच्छा अंदर जो 1000 वाला है, ओके एक ओके हजार वाला इसके अंदर आपकी कैपिंग है, एक 1 GB पर डे की ओके 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 ऑल राइट ओके। तो ये हो जी गया। भाई। और सर अभी जैसे होटल वगैरह, आप होटल में हो तो होटल के चार्जेस क्या हैं अभी के टाइम में? बहुत चीप है भाई, आपको अच्छा होटल आपको 1000 के अंदर अंदर 1000 तक मिल जाएगा, जिसमें आपको एक सेपरेट रूम मिल जाएगा, एक डबल बेड, हम लोग चाह रहे तो हमने लोगों ने इकट्ठा ले लिया था, तो 1000 इंडियन रुपीस? कि 1000 इंडियन रुपीज मतलब वर्थ है आपकी, मतलब इसके अंदर अच्छा होटल आपको मिल अच्छा होटल जाएगा? मिल जाएगा। ओके 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 हाँ ठीक है। तो सर अगर अभी आप सही में बजट ट्रेवलर हैं तो आपको 300 250 रुपये से लेकर 700 रुपये तक ओके ओके तो चल ठीक है। अच्छा अच्छा होटल अब सर मिल जाएगा अभी ये भाई, एक बताइए और कि अच्छा जैसे बात। अभी अभी घूमने के पर्पस से, जैसे आपने 2 3 बार गए भी हो, रेस्टोरेंट वगैरह भी आपने देखे, मतलब कई सारी जगह पे भी घूमे हो, तो ओमिक्रॉन का कुछ है वहां पे कि भाई लोग जैसे बाउंडेशन वगैरह का कुछ है? कोई बाउंडेशन नहीं है, बट यहाँ पे जितने भी श्रीलंकन है ऑलमोस्ट सभी जो है वो मास्क लगा के रखते हैं, फॉरनर्स भी और जो जो भी यहाँ पे ट्रेवलर आ रहा है वो भी, बट कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई फाइन नहीं है अभी तक, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जहाँ भी जाते, जहाँ भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो फिर मुझे मास्क वगैरह हटा के या मेरा हैंकी हटा के फिर ही मुझे रिकॉर्ड करनी पड़ती है। ओके ओके मतलब मास्क मैंडेटरी है बस, राइट? बाकी हाँ मास्क बाकी मैंडेटरी है, वो आपकी अपनी सेफ्टी है ना सर, अपनी सेफ्टी भी है कोई ऐसी बिल्कुल। बाउंडेशन नहीं है। वैसे वैसे कोई दिक्कत नहीं है, रेस्टोरेंट वगैरह सब खुले हैं, नाइट लाइफ भी ओके है वहाँ बिल्कुल खुले पे, हैं, मैंने सुना था नाइट लाइफ भी ठीक है अभी बीचेस वगैरह पे? नाइट लाइफ ओके है। मैं इस टाइम एला सिटी में हूँ, कोशिश करूंगा अभी बाहर जाने की, और हो सकता है मेरी उस पर भी एक वीडियो आ जाए नाइट लाइफ पे हाँ भी, जी हाँ जी एला सिटी एला सिटी ओके ओके ओके। जी चलिए भाई। ऑलमोस्ट आपने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है मेरे हिसाब से, इसके अलावा तो कुछ रह नहीं गया।
तो सर अपना अपना चैनल का नाम बताइए। मैं ब्लॉगिंग करता हूँ भाई, सिंह ब्लॉग के नाम से चैनल है, ISINGHVLOGS ब्लॉग, ओके सिंह ओके, ब्लॉग्स के नाम से मेरा चैनल है, तो लिंक मैं आपको दे तो दूंगा। भाई इनके चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, पर आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो अभी के टाइम में श्रीलंका के बारे में, तो डेफिनेटली आप इनके चैनल पे जाके इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। और ट्रैवलिंग करते रहते हैं, व्लॉग्स बना रहे हैं, तो कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आपके काम आएगी बिल्कुल। तो आप इनको भी थोड़ा जाके इनके चेकआउट करें चैनल को। तो थैंक यू सो मच सर, आपने अपना टाइम निकाला और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। इट विल बी अरे हेल्पिंग थैंक यू लोड ऑफ सो मच पीपल। रविन भाई। हाँ जी, जिनको भी श्रीलंका ट्रैवल करना है उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी।           ││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